अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। माँ नंदा देवी की, भगवती नैनी देवी की, केदारनाथ विधानसभा के इस उपचुनाव में आप सब बड़ी संख्या में जिनके समर्थन के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए, बहन आशा नौटियाल जी के इस आशीर्वाद और उनके समर्थन में उपस्थित इस सभा में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार में हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री और जिनका पूरी दुनिया के अंदर आध्यात्मिक जगत में एक आध्यात्मिक गुरु के नाम से विश्व प्रसिद्धि है, ऐसे आदरणीय सतपाल महाराज जी मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में, मंत्री बहन रेखा आर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा भाई समीर आर्य जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन अमरदेवी शाह जी, घनसाली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई शक्तिलाल शाह जी, राजपुर विधानसभा देहरादून के बहुत लोकप्रिय और बहुत वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय खजानदास जी, थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री गोपाल राम टमटा जी, पुरोला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र लाल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में दायित्व में काम करने वाले भाई चंडी प्रसाद भट्ट जी, जिलाध्यक्ष श्री महावीर जी, रुद्रप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और इस चुनाव के संयोजक के नाते हम सब के बीच में काम करने वाले आदरणीय भरत चौधरी जी और हमारी शैला रानी दीदी जो हमारी यहाँ की विधायक रही, आप सब लोगों के लिए संघर्ष करती थी, उनकी सुपुत्री जो अभी मंच पर आई थी श्रीमती ऐश्वर्या रावत जी, इस क्षेत्र में ही लगातार अपने अनेक अनेक कामों को अंजाम देने वाले आदरणीय कर्नल अजय कोठियाल जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जिन्होंने आप सब पर अपना भरोसा जताया, आप सब से इस उपचुनाव में मतदान की अपील की, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करने की अपील की, भाई कुलदीप रावत जी, रिटायर्ड डिप्टी एसपी प्रेमलाल जी, प्रेमलाल टमटा जी, मंडल अध्यक्ष अमित मैखंडी जी, मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा रघुवीर लाल जी, शिवलाल जी मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा अनिल कोठियाल जी, मंडल अध्यक्ष जसपाल लाल जी, मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा श्री धनानंद जी, उमा रानी आर्य जी, बीना बड़मोहाल जी, सुषमा देवी जी, अमित पखंडी जी एवं मंच पर आसीन हमारे भाई देवेश नौटियाल जी, दिनेश भगवाड़ी जी, अनेक ऐसे नाम है, सभी उपस्थित मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे हुए मेरी सभी माताएं बहनें, मेरी मातृशक्ति, उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे युवा साथी, सभी पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, विशेषकर जो वाद्य यंत्र ढोल दमाओं के वादक भाइयों, मैं आप सब ने मेरा ढोल दमाओं बजाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन कर रहा हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ और निश्चित रूप से आज इस सम्मेलन में जो कोने कोने से मातृशक्ति आई है उस मातृशक्ति को भी
मैं प्रणाम करता हूं और इस अवसर पर मैं इस क्षेत्र की पूर्व विधायक शारदा रानी दीदी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने अंतिम सांस तक इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया, लगातार वो चिंता करती थी। भले ही अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनके मन में सपने थे, जो उनकी कल्पना थी, आज मैं इस मन से कहना चाहता हूं कि हम उन सपनों को धरातल पर उतारेंगे, उन सपनों को हम पूरा करेंगे। और इसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए, आप सबका स्नेह चाहिए, तो निश्चित रूप से हम उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए मैं आज आप सबके बीच में इस केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन आशा नौटियाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सभी जानते हैं पिछले लंबे समय से, लगभग 3 दशक से भी अधिक समय से आप सबके बीच में रहकर केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से लगातार काम करती रही है। आज उन्हें भी आपके समर्थन की आवश्यकता है। मैं देख रहा था जब वो भाषण करने आए थी तो इतनी भावुक हो रही थी कि आप सबने अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई, ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। आप समझ सकते हैं लगातार क्षेत्र में काम करने के बाद आज उनकी भी एक परीक्षा हो रही है। और इस